हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम होंडा हॉर्नेट को मॉडिफाई करेंगे। असल में क्या है कि इसके टैंक के जो कवर होते हैं, वाजर होते हैं प्लास्टिक वाले, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें हम मॉडिफाई करेंगे। और इसके साइलेंसर में हम मॉडिफाई करेंगे, जो कि इसके साइलेंसर जो है गर्म होने से वहाँ पे काला पड़ जाता है। हालांकि इससे पहले भी हम इसमें रेपिंग किए थे, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद ख़राब हो गया। तो फिलहाल अभी इसमें हम जो रेपिंग करने वाले, जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, वो स्पेशल है और गर्म होने से वो कुछ नहीं होगा। और टैंक में जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, वो भी काफ़ी यूनिक है। तो गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और यहाँ पर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और सारा डिटेल्स उस मटेरियल के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है होंडा हॉर्नेट और आप इसका टैंक वाइजर देख पा रहे हैं। इसका कलर कैसे डिसकलर हुआ है और बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। और सभी बाइकों के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि इसके टैंक के जो वाइजर होते हैं वो यहाँ पर जो है खराब हो जाते हैं। और बाकी का कलर आपका एकदम सेम रहता है, सही रहता है, लेकिन सिर्फ इसके वाइजर जो है यही ख़राब होते थे। इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे और कैसे इसको न्यू करेंगे, ये वीडियो में ये सारा डिटेल्स आपको दिखाएंगे। और इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे जो लाइफ टाइम तक आपका बना रहे, लाइफ टाइम नहीं कर सकते लेकिन लंबे समय तक वो बना रहे, वो मटेरियल यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके वाइजर में आप देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक वही वाला डिज़ाइन दिखाएंगे। और अभी आपको साइलेंसर की तरफ ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होंडा हॉर्नेट का साइलेंसर। हालाँकि इस साइलेंसर को हम जो है आज से 6 महीने पहले जो है रेपिंग किए थे, लेकिन ये जो रेपिंग हम यहाँ पर यूज किए थे वो गर्म के वजह से जल्दी छोड़ दिया और कहीं पे चिपक गया था, कहीं पे छोड़ दिया था। आप देख पा रहे हैं उसका जो है रेपर यहाँ पर टुकड़ा देख पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको रेपिंग करेंगे और इसको जो रेपिंग करेंगे बिल्कुल न्यू कर देंगे और इसको बिल्कुल न्यू कर देंगे। और ये जो है प्रॉब्लम सभी हॉर्नेट के साथ आता है साइलेंसर में, इसका एग्जॉस्ट में गर्म होने की वजह से यहाँ पर पेंट भी छोड़ देता है। तो जो चीज़ हम यहाँ पर यूज करने वाले, जो मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाले, वो स्पेशल ये सब चीज़ों के लिए है, गर्म होने से नहीं छोड़ेगा और काफ़ी अच्छा होगा और यूनिक होगा। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा और जो डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और आपके साथ भी, आपके पास भी इस तरह की बाइक है तो ये वीडियो आपको वाकई में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइलेंसर के लिए यहाँ पर ये वाला पेपर जो है यूज करने वाले हैं। और इसका क्या फ़ायदा है और क्या इसमें जो है डिटेल्स है, सारा कुछ अभी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये पेपर का खासियत क्या है और ये क्या यूनिक है, इंपॉर्टेंट है या फिर लोकल है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आप देख पा रहे कलर फ्रेंड्स, ये कलर भी जो है साइलेंसर का जो ऊपर का एग्जॉस्ट का कलर था वो सेम टू सेम है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हो सके तो साइड में हम ब्लैक का भी वहाँ पर इस्तेमाल करें, जो कि वो भी काफ़ी यूनिक होगा। इस पेपर का खासियत ये है कि ये 3 लेयर में है। पहला लेयर आप देख पा रहे हैं, एक लेयर इसका जो यहाँ से निकलता है और फिर अंदर का जो मटेरियल है वो सेफ रखने के लिए एक लेयर दिया जाता है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं 3 लेयर देख करके कि ये इम्पोर्टेंट पेपर है और काफ़ी अच्छा पेपर है। ये आप देख पा रहे हैं, इधर लो। आप देख पा रहे हैं इसका जो एग्जॉस्ट है, इसके कवर है, तो इसके कवर को हमने बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और आप ये पोर्शन देख पा रहे थे, इसको आपको लगाने से पहले इस पोर्शन को भी यहाँ पर दिखाओ, इस पोर्शन के अंदर जो है नीचे वाला ये वाला को भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर साफ कर लेना है। और इधर साइड के जितने भी भीतर के जगह है तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से साफ कर लेना है। यहाँ पर दिखाओ, तो ये वाला भी बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर साफ कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप जो है भी जो भी रेपिंग यहाँ पर करेंगे तो ये रेपिंग को लास्ट के एंड में इसको छोड़ में इसको मोड़ना पड़ता है, तो इसको आप यहाँ पे मोड़ देंगे तो ये ज़्यादा मजबूत रहेगा और साइड से फिर छोड़ेगा नहीं। इसका जो है लगाने से पहले इसका जो पहला लेयर है उसको आपको निकाल लेना होता है। अगर इसको लगा हुआ आप लगाएंगे तो ये सही से नहीं बैठेगा, तो इसलिए इसको निकाल करके इसको लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले यहाँ से निकालें और एक साइड आपको निकालना है और फिर एक साइड से बहुत इजीली इसको बिठा लेना है यहाँ पे। ये देखिए ऐसा, और चाहे तो इसमें बिना हॉट गन का भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली बैठ जाता है। पेपर भी बहुत अच्छा पेपर है। जैसे जैसे आपका जो ये चिपकते जाएगा आपको फिर उठा उठा करके इसको लगाना पड़ेगा, टाइमलेस में ले लो।
लगाने के लिए जो है कहीं पर भी हॉट गन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, आप देख पा रहे हैं पूरा वीडियो में जो है हम ऐसे ही इसको लगा रहे हैं। आप चाहे तो हॉट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर जो है बिना हॉट का ही ये लग जाता है, इतना नॉर्मल है और काफ़ी अच्छा है। और ये लगने के बाद इतना अच्छा से ये कवर कर लेता है, पकड़ लेता है कि ये हॉट होने के बाद ये छुड़ेगा नहीं, पेंट की माफिक ये पकड़ता है। तो फ्रेंड्स ये नीचे वाला साफ करने का फायदा ये हुआ कि इसको जो है अभी हम यहाँ से इधर से मोड़ देंगे और अंदर की तरफ इसको कवर कर देंगे ताकि ये बाद में यहाँ से नहीं छोड़ेगा और उधर से कवर किया हुआ रहेगा तो ये एकदम वहाँ से मजबूत बना हुआ रहेगा। ये जो है अंदर की तरफ ऐसा मोड़ दिया है और जो इसका जो ये पेपर है ये वाला आप देख पा रहे हैं इसको हमको हटाना है, तो अंदर से चाकू इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लगा करके और इसको ऐसे काट के निकाल देना है ताकि वो आधा जो मटेरियल है पेपर है वो आधा अंदर ही चिपका हुआ रहे और उसे वो फिर छोड़ेगा नहीं, मतलब ये निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर इसको खोल के हम बहुत अच्छे से इसको कवर कर दे रहे ताकि इधर से छोड़े ना। और तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसका शाइनिंग और ग्लो भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी यूनिक लग रहा है और पेंट के माफी लग रहा है, लगता है कि यहाँ पर पेंट ही किया हुआ है, कोई स्टिकर नहीं किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और ये पेपर का रिव्यू भी हमने दिखा दिया, बहुत ही अच्छा पेपर है, देख पा रहे इसका शाइनिंग भी बहुत अच्छा है। और इसका साइड में जो हम जो है यहाँ पर मोड़ दिए हैं तो यहाँ से छोड़ने का कोई चांस ही नहीं, अगर आप इसको यहाँ से कट कर देते तो यहाँ साइड से ये छोड़ सकता है, इसलिए इसको अंदर में मोड़ देना होता है। ख्याल रखें कि जो है हम इसको लगाने से पहले साइड में भी इसको अंदर कपड़ा किए थे तो वो भी आपको जो वहाँ पर भी सफाई कर लेना है तभी जाकर के अच्छे से चिपकेगा, तो काफ़ी अच्छा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर भी सोच रहे हैं इसी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर दें लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम हॉट एयर गन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व है और बिना हॉट गन का नहीं होगा, अगर करना चाहेंगे तो पेपर फट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हॉट गन का इस्तेमाल आप लोग भी करें अगर आप इसको करते हैं तो। देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हालांकि यहाँ पर ब्लैक का यूज करना था हमें, लेकिन जिनका बाइक है कस्टमर ने कहा कि यहाँ पर इसी पेपर का आप यूज कीजिए तो इसीलिए हम यहाँ पर ये पेपर का यूज कर रहे है, ये फट गया है, तो ज्यादा हॉट एयर गन का इस्तेमाल ना करें, हल्का करना होगा इस पेपर में, इसीलिए वहां पर हम बिना हॉट गन का ही लगाए थे। देख पा रही है जो ज्यादा गर्म होने के बाद यहां पर टना गया था, फिलहाल इसको हमको यहां पर ज्वाइंट करना पड़ेगा तभी जाकर के ये होगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है और इसका फिनिशिंग आप देख पा रहे फ्रेंड्स, हालांकि इसका जो एग्जॉस्ट का कवर था इसको हमने खोल के इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर बिठा दिया है और इसको भी हमने ये वाला ही पेपर यूज़ किया है जो कि मेटल टाइप में देखने में लगता है और मुझे लगता है कि इसका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। और फिनिश इसका फिनिशिंग आप देख पा रहे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब फिनिशिंग आया, लग रहा है कि आप इसमें जो है मेटलिक पेंट अभी इसमें करवा के लेकर के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा कम्प्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं टैंक की तरफ। यहाँ पर टैंक में आप देख पा रहे हैं इसको जो है फाइबर ख़राब हो गया है और इस फाइबर में आप अगर डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं कोई भी पेपर, आप कितना बढ़िया से बढ़िया पेपर लगाएंगे तो वो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये अंदर से ही छोड़ रहा है, तो इसी के वजह से जो पेपर आप लगाएंगे ये वाला जो आप पपड़ी जम गया तो ये पेपर में सट के पेपर बाहर आ जाएगा, कोई भी नाल आप लगाएंगे कितनों बढ़िया से बढ़िया दामी लगाएंगे तो छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हमको एमरी पेपर से घस के साफ करना होगा और बिल्कुल इस तरह से कर देना पड़ेगा ताकि अंदर से कोई छोड़े ना, मतलब भीतर से कोई ना छोड़ दे, तो ही इसमें आप लगाए तभी ये टिकाऊ रहेगा और लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम जो है 300-300 नंबर के पेपर से इसको हम घस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, फिर जाकर के इसको इसमें हम लगाएंगे कोई भी पेपर तब ये टिकाऊ रहेगा। हालांकि इसमें जो पेपर हम लगाने वाले हैं ये वही पेपर है जो आप यहाँ पर साइलेंसर में देख पा रहे हैं, जो एग्जॉस्ट में हमने यहाँ पर यूज़ किया वही पेपर यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि ये उससे मैच हो जाएगा और काफ़ी यूनिक लगेगा।
तो चलिए सबसे पहले इसको हम घसते हैं एमडी पेपर से। तो फ्रेंड्स यहाँ 300 नंबर के पेपर से इसको हम बहुत अच्छा से घस रहे हैं और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर का मलबा देखिए कितना, मतलब ये सब निकल रहा है। देखिए यही वजह है कि ये इसमें पेपर नहीं टिकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं, इसी की वजह से कोई भी विनाइल पेपर आप यहाँ पर लगाएंगे तो टिकाऊ नहीं रहेगा, वो बाद में छोड़ देगा। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से घस लेना होता है। यहाँ पर घसो और ये तो ठीक है, यहाँ पर घसने की जरूरत नहीं। ये पोर्शन को घसना है, देखो यहाँ पर घसना है, यहाँ पर और यहाँ पर बहुत अच्छे से घसना है। तो फ्रेंड्स इसको हम बहुत अच्छी तरह से घस लिए लेकिन फिर भी इसमें नहीं पकड़ रहा है, तो इसके लिए हमको जो है पेपर को यहाँ पर कोई भी लट्ठा वाला गम वाला पेपर को लगा करके और फिर इसको ऐसे निकालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो भी खुरदरापन है, जो भी उखड़ने वाला परत है, वो इसमें आ जाता है और फिर ये प्लेन हो जाता है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं इसको हम बहुत सारा जो है लगा करके फिर निकाले तो अभी इसका गम ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से किया जाता है। तो फिलहाल अभी जितना भी रेडियम है, रेडियम का यूज करके इसको हम लगाएंगे और फिर सारा चीज़ निकालेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास रेडियम का टुकड़ा है और लो रे कैमरा करो, तो ये रेडियम का टुकड़ा है और इसको हम इससे निकालेंगे ऐसे करके, जो भी रेडियम का टुकड़ा है निकाल करके फिर इसमें हम इस तरह से बिठाएंगे, ऐसे लगाएंगे और इसको लगाने के बाद फिर इसको हम उखाड़ेंगे। तो देखिए हम देख पा रहे हैं ये सारा जो है इसमें आ गया, अब ये प्लेन हो सकता है तब इसमें ये लग सकता है। इस तरह से हमको पूरे में इसका जो है पूरे में इसको निकाल लेना होगा, उसके बाद फिर ये लगेगा। तो सब में हमको इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए फिर से इसको हम लगा रहे हैं यहाँ पे और ये देखिए अब इसको हम निकाल रहे हैं, तो अभी भी देखिए देखिए ये निकला। तो इस तरह से इसको निकालना होता, तो टाइम ले लो। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये सारा कचरा इसमें आ गया है, अब ये प्लेन हो गया है, अब इसमें जो है ये चिपक सकता है। तो ये अब इसका जो गम खत्म हो गया, तो इससे पहले अगर इसमें लगाए तो इस तरह से इसका प्रोसेस आप कर ले इस तरह से, और जो भी कचरा है सारा इसमें आ जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा और फिर इसका टिकाऊ लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। इसमें हम ये वाला जो कार्बन देख पा रहे हैं ये एवरी का है और काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम यहाँ से जो है इसका ये डिजाइनिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम देने वाले हैं और फिर इधर जो है अलग कलर होगा और फिर इधर अलग कलर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसको हम जो है यहाँ पर ये कार्बन लगाए हुए एवरी का और इसके साइड में हम अलग कलर देंगे, क्योंकि एक ही कलर में यहाँ पर छोड़ देगा, इसकी वजह से इसको हम यहाँ पर अलग कलर दे रहे हैं, जो कि ये डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक लगे लेकिन। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत के बाद जो है टैंक और ये डिज़ाइन हम कंप्लीट कर पाए, हालांकि ये वाला डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो इसका कलर भी बहुत यूनिक लग रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम टैंक का बात करते हैं, तो टैंक में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो ये वाला जो एवरी का पेपर हम यहाँ पर लगाए हैं तो ये उतना मजबूत नहीं रह पा रहा है इसमें, क्योंकि हमने बताया कि इसका जो कचरा है वो इसमें सड़ जा रहा है, तो बहुत सारा निकालने के बाद भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और ये शायद छोड़ सकता है बाद में, लेकिन ये फ्रेंड्स ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये पेपर बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसको पूरे में लगाते तो शायद ज़्यादा बेटर होता, इसका गम इससे बढ़िया इसका गम है, हालांकि ये एवरी का है लेकिन ये भी अच्छी कंपनी का है, लेकिन ये पेपर थोड़ा पतला है और ये काफ़ी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखेगा और आप इसका खूबसूरती भी देख पा रहे, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, तो ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक लग रहा है हमको देखने में। और इस तरह का अगर आपके साथ प्रॉब्लम होता तो आप करवा सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था
जो कि हमने आपको दिखाया, और आपको यहाँ पर इसी यही वाला पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पूरे में तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये छोड़ने लग रहा है, देख रहे हैं आप ये किसी तरह से छोड़ रहा है, तो ये शायद हमको लग रहा है कि लंबे समय तक नहीं बना हुआ रहेगा। ये तो रहेगा, ये रहेगा, लेकिन ये नहीं रह पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये एक एक्सपेरिमेंट था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और यहाँ पर आप देखिए साइलेंसर का, ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो है कोई रेपिंग किया हुआ लग रहा, पेंट किया हुआ, देख लीजिए फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग इसका। सो और यहाँ पर देखिए इसका फिनिशिंग देखिए, ये भी बहुत ही लाजवाब है। और फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे हौसला मिलेगा और हम फिर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और कौन सा बाइक में कौन सा सूट होगा और क्या प्रॉब्लम रहता है सारा हम स्टिकर प्रॉब्लम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मॉडिफाई तो सभी करते हैं लेकिन काम का जो है जो बहुत ज़रूरी होता है वो दिखाना सबके बस की बात नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने किया है ये वाकई में सभी के साथ प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। और डिज़ाइन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।